अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त। क्या करते हैं आप? मैं सीएस कर रहा हूँ, इस वक्त पाँचवें सेमेस्टर में हूँ मैं। इंडिया में एक स्कूल है मोंटेसोरी जो बच्चों का है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं स्कूल है जिसका वर्ल्ड में नाम आ रहा हो? यार बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर की बात है ना, इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है अपने बच्चों को, जिस तरीके से आगे ग्रूम कर रहा है, पाकिस्तान में वैसी ग्रूमिंग नहीं है। हमें अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाने की ज़रूरत है। हम बेसिकली जितना भी हमारा सिलेबस हो, हम स्ट्रक्चर वाइज चलते हैं अपनी बुक्स के हिसाब से। हमारा कोई मतलब अगर आप लगा लें कोई थीम अलहदा हो ना, जिस तरह मतलब कोई आप उन्हें टॉपिक दे दें कि वो खुद अपनी ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है, खुद ऑब्जर्व करके बच्चे उस पर खुद थीसिस लिखें, या अपने माइंड से कोई भी उनके मतलब माइंड में कोई भी टॉपिक है उसके बारे में वो खुद लिखें। बेसिकली हम अपने बच्चों को जो है ना एक ही लाइन पर लगा देते हैं, जिस तरह मतलब आप देख लें कि कोई न्यूटन फार्मूलाज हैं या जो चीज़ें बुक्स में लिखी हैं, हम कहते हैं बस आप इनको रट लो, ये नॉलेज नहीं है मेरे ख्याल में, ये स्टडी नहीं है। यानी कि ये रटा बेस ख़त्म करना चाहिए। बेसिकली आपको हमारे बच्चों को भी और पाकिस्तान में ये कल्चर चेंज तब होगा जब आप बच्चों में, और मेन चीज़ है एजुकेशन सेक्टर में चेंजिंग लाएंगे। एजुकेशन सेंटर में जब चेंजिंग आएगी आपका मुल्क स्टडी के वाले से ग्रो करेगा, ठीक है। यहाँ के बच्चे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, फिर उसके बाद उनको बेसिकली वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है स्टेट की तरफ से भी, ठीक है। आप बच्चों के लिए तालीम फुल फ्लैज फ्री करें और उनको फ्री हैंड दें कि वो बुक से जितनी चीज़ें उनको याद करने की बजाय अपने माइंड से जो उनकी थॉट्स हैं उनको पेपर पर उतारें। इसमें उनकी एक सेल्फ राइटिंग बेहतर हो जाएगी, दूसरी चीज़ उनकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तीसरी चीज़ उनमें नए न्यू आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ आपको मिलेंगे। बच्चे अपनी मर्ज़ी से आपको एक प्रोडक्टिव काम देंगे। तो ये मेरे ख्याल में एजुकेशन सेक्टर में ना चेंजिंग की ज़रूरत है। सर चेंज कैसे आ सकता है? चेंज बेसिकली ऐसे आएगा, अब एजुकेशन सेक्टर में जब आप चेंज लाएंगे तो उसको जो लीड कर रहा है ना उसने वो सारी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, उनको मतलब क्या सिलेबस देना है, उनके पेपर हमने किस हिसाब से लेने हैं ना, तो ये उसमें चेंजिंग की ज़रूरत है हमें। उसमें आपको कॉम्पिटेंट बंदे बिठाएं, ठीक है, उसके बाद आप टोटल स्ट्रक्चर चेंज करें कि बच्चे जो हैं, जो उनके माइंड में थॉट है, जो वो बनना चाह रहे हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट बेस पे उसको स्टडी करवा दें, यही बहुत बड़ी बात है। सर आपको लगता है कि सिलेबस यहाँ पे चेंज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बुक्स वाले सिस्टम से निकलना चाहिए, टोटल बुक्स जो रटा सिस्टम है ना उससे निकल कर थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए और अपनी जो माइंड की थॉट्स हैं, जो मतलब प्रोडक्टिव एरियाज़ हैं आपके, प्रोडक्टिव नॉलेज है, उसको बच्चों को शुरू से ही बचपन से ही सिखाएं कि यार आप अपनी सेल्फ राइटिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। जब बच्चे की बेस रूट ग्रास रूट बेहतर बनेगी, जब वो शुरू से ही अपनी सेल्फ राइटिंग में लिखने लग जाएगा, तो वो मतलब आप लगा लें कि 18-20 साल जब वो उसकी एज होगी तो वो एक मास्टर ब्लास्टर सी चीज़ निकलेगी, आप उसको पकड़ नहीं सकते। पर अगर उसने सारा बुक से पढ़ा होगा, वो फार्मूलाज वगैरह ये वो सारी चीज़ें ब्ला ब्ला, तो वो चीज़ें वही उतारेगा जो बुक्स में लिखी हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी आपके अगले 20 साल तक भी। यानी कि रिसर्च होनी चाहिए। रिसर्च सबसे बेहतरीन चीज़ है, रिसर्च बेस्ड नॉलेज। ये हो गया। सर कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज सर मैं नॉलेज के वाले से आप बल्कि मिल गए मुझे आज, मैं तो यही देना चाहता हूँ। मैंने कई बच्चे अपने यहाँ पर देखे हैं जो मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ सकते नहीं, उनके पास उतने वसाइल भी नहीं हैं। ये चीज़ें पहले वही एजुकेशन सेक्टर में जो है वो चीज़ों को फ्री करना चाहिए, फिर उनको किसी ना किसी तरीके से उनके लिए कोई ओल्ड एज हाउसेस, ठीक है, या मतलब कोई ऐसे स्कूल्स बनाने चाहिए जिनमें उन्हें पे करना ना पड़े और उनको नॉलेज, उनको तालीम वही मिले जो यहाँ के अमीर बच्चों को जो पे कर रहे हैं, मतलब जो अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं उनमें नॉलेज मिल रहा है। सर ये इंडिया में ये चीज़ देखी जा रही है कि वो अपने बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ना सपोर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं करते, आपको कैसे लगता है कि वो कैसे सपोर्ट कर सकेंगे? सर बेसिकली इंडिया में जो है ना वो अपने एजुकेशन सेक्टर पर काम कर रहे हैं, वो तालीम को फ्री कर रहे हैं। आप देखेंगे इंडिया में कोई बैगर भी है ना तो वो भी उनका आपको पढ़ा लिखा ही मिलेगा, वो आपसे बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है, पर यहाँ पर इन चीज़ों की कमी है। वो क्यों है? सिर्फ एजुकेशन की वजह से मुल्क में रटा सिस्टम, हमारे मुल्क का जो बच्चा बच्चा है वो इस टाइम ना रटा लगा के पास हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपना निसाब नहीं पढ़ रहे फिलहाल, अपने मुल्क का कोई निसाब नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं गैर मुल्कियों का, अंग्रेज़ों का, या क्या नाम है, हिंदुओं का हम निसाब पढ़ रहे हैं, तो भाईजान यहाँ पर कैसे ये निज़ाम हो सकता है? हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे हैं
यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे रट्टा सिस्टम में पास हो रहे हैं इस टाइम। अपना कोई निसाब नहीं है हमारे पास, इसलिए वो भाईजान ऊपर जा रहे हैं हमसे। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? इस तरह होना चाहिए भाईजान, हमारा अपना कोई निसाब होना चाहिए जिससे हम पढ़े, इसे क्या नाम है रट्टा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए हमें भाई मुल्क में। तलीमी निसाब हम इस तरह बेहतर कर सकते हैं कि हमें काम करना पड़ेगा क्लासरूम लेवल से, जहाँ से हमारा सिस्टम शुरू होता है क्लासरूम लेवल से। अगर हम वहाँ से नहीं काम शुरू करेंगे तो ऊपर तक कैसे जाएंगे? अगर ऊपर क्या नाम है, अगर ये क्लासरूम लेवल तक हम यहाँ काम शुरू कर देंगे, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे ना, तो हम भाईजान इस तरह बैठे रहेंगे जिस तरह डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं लोग। हम वोट दे रहे हैं, महंगाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इस तरह ही है। सर, इंडिया आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिया कैसे आगे जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान से। इंडिया भाई इसी वजह से आगे जा रहा है कि उन्होंने अपना क्लासरूम जो नीचे से काम उन्होंने शुरू किया ना, क्लासरूम जो स्टडी है उनकी, उनको पहले उन्होंने बेटर किया, फिर ऊपर तक गए हैं वो। यार अब इसमें ये देखें ना, इंडिया के अंदर लोग तरक्की करते हैं, लोग तरक्की करके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अपने मुल्क और कौम के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। बाहर जाके वो लोग देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, वो बाहर से चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, अडोप्ट करते हैं, चीज़ें अडोप्ट करके उधर ला के अप्लाई करते हैं। इधर जनाब चाचे दे मुंडे ने MBBS किया था, वो बाहर चला गया है, वो खाला का बेटा इंजीनियर बना जी, बाहर जाके उसको अच्छी नौकरी मिल गई है, 1.5-2 लाख रुपया वो सारी ज़िंदगी हो गई है बाहर है, अपने मुल्क को कोई देखता ही नहीं है। लोगों को जाके संवारने में लगे हुए हैं, तो उससे बेहतर है कि अपने मुल्क को अगर संवारें तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है कि यार हमारा मुल्क भी तरक्की करे। तो यही है कि हम लोग अगर पढ़ लिख के अपने मुल्क के ऊपर काम करें, ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही हर चीज़ है, अगर आप उसके अंदर कर लें यार ईमानदारी से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट में देखें क्या है जनाब, सरकारी नौकरियाँ किसकी लगेगी, जिसका बाप दादा सरकारी मुलाजम चलता आ रहा है उनकी लगती हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल पे जो बंदे हैं उनको आगे देखते ही नहीं है, उसका मेरिट पे आता है, हर चीज़ हो जाती है, एट दी एंड बंदे के पास क्या है जी, या तो सिफारिश नहीं है या पैसा नहीं है। ये भी बहुत बड़ा कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ज़्यादा उनको तो। अब हमारे एंड पे अगर देखें आपके, हम अगर अपने लोगों को, एक बंदा बाहर जा रहा है वो क्यों जा रहा है, उसके बाहर जाने का मकसद ये है कि यार मैं अच्छी सैलरी लूँगा, मैंने जितना पैसा पढ़ाई में इन्वेस्ट किया। अब एक बंदा 16-18 साल पढ़ाई में लगाता है, 18 साल के बाद जनाब जब वो नौकरी करने जाता है उसको कहते हैं जी 18,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, यार वो भी तो देखो किस जगह से आ रहा है, उठ के कितना उसने टाइम लगाया स्टडी के ऊपर, आप लोग उसको देते नहीं हो, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता कि यार मैं पाकिस्तान में रह के कुछ करूँ। तो जब हमारी गवर्नमेंट खुद अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू हो जाएगी कि यार ये हमारे बंदे हैं, हम लोग अपने बंदों को मर्ज करें, अपने लोगों को आगे लेकर आएँ, बनिस्बत आप बाहर से देखते हैं, इधर उधर से देखते हैं, तो हमारे लोग बाहर क्यों जाएंगे? इंडिया में वो बाहर से आते हैं, आगे कॉन्सेप्ट लेके अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, उनको उनके बिहाफ पे जिस तरह वो काम करते हैं उनको उसका रद्दअमल मिलता है, उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, हर चीज़ होती है। हमारे इधर रिवॉर्ड सिस्टम जिस दिन शुरू हो जाएगा सारा काम सेट हो जाएगा। असल में ना यहाँ पे जो हमारे जो है ना सियासतदान, उनको एजुकेशन पे इतना फोकस नहीं है हमारी, उनको है कि जो हमारी जो करप्शन है, ये दूसरी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके उनको ज़्यादा फोकस है। एजुकेशन पे अगर वो फोकस करेंगे ना तो जो खासतौर पे बेसिक लेवल पे, और बेसिक लेवल पे अगर वो फोकस करते हैं ना तो बच्चे ने तो नरिशमेंट उसकी बचपन से ही होगी, अगर बचपन से अगर उसको उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसकी स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे, घर वालों को कहेंगे कि इनके ऊपर ध्यान दें, फिर जाके बच्चा ग्रो करेगा। क्योंकि अब देखें अगर हम बड़े हो गए हैं, हमें अगर सही से हमारी बेसिक ही नहीं सही तो हम आगे जाके हम क्या करेंगे, यही बात है। तो सर आपको कैसे लगता है कि ये निज़ाम ठीक हो सकता है? असल में निज़ाम एक बंदे या दो बंदों का करने से सही होगा नहीं, निज़ाम होगा अगर सारे मिलकर करेंगे। सारे मिलकर करने के लिए सबको एजुकेट करना ज़रूरी है। एजुकेट कैसे होंगे, उनको अगर हम बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पे किसी को भी कह देंगे भाई आप जाके ना घर जाके घर वालों को कह के हमने ना पढ़ना है, घर वाले हैरान हो जाएंगे क्योंकि बच्चा हमारा पढ़ने लगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारा बच्चा पढ़ता भी है इतना। यही बात है, अगर हम सारे मिलके हम फोकस करेंगे ना कि हमने ये अपने जो आगे नस्ल है उसको सुधारना है, एजुकेशन को ज़रा अच्छा करना है, तो नीचे से हम स्टार्ट करें, छोटे लेवल पे चाहे स्टार्ट करें, छोटे लेवल से स्टार्ट करें हम आगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके जाएं, तो इंशाल्लाह अपनी एजुकेशन हमारी सही हो जाएगी। कि इंडिया जो एजुकेशन के लिहाज से हमसे पाकिस्तान से क्यों आगे जा रहा है इतना? असल में ना इंडिया में ना जो बच्चों को है ना शुरू से समझाया जाता है, उनको टारगेट दिया जाता है कि अगर आप ये करोगे ना तो आपको ये होगा, आप ये रिसीव करेंगे, आप ये अचीव करेंगे। जब आपको यहाँ पे बचपन में बच्चों को शुरू से ही हम ये फोकस कर देते हैं कि पढ़ो, सारा कुछ पढ़ो, ना उनको हम कोई टारगेट देते हैं, कोई ना उनको ये सेट ऑफ गोल्स देते हैं कि आपने ये अचीव करना है, आपने ये पूरा करना है। यहाँ पे बस कहते हैं पढ़ो, यहाँ पे रट्टा सिस्टम चल रहा है, शुरू से चल रहा है, अभी तक वही चल रहा है ना, हमारे कोर्स चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, अपडेटेड भी नहीं हमारे कोर्स, 10-10, 20-20 साल पुराने कोर्स चल रहे हैं। इसलिए हम जब ये
टीचर्स भी जो है ना वो भी इतना उसको लेते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हमने जो पढ़ा है वही हम दोबारा पढ़ा रहे हैं, पीछे से चलता आ रहा है ना, चेंजिंग आ रही है हमारी में। यानी आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। जैसे देखिए अब ये प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर ऑक्सफर्ड का सिलेबस अगर लगा वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको फ़र्क महसूस होता है सरकारी बच्चे के साइड पर रखेंगे प्राइवेट स्कूल के बच्चे को रखें, आपको वाजे फ़र्क नज़र आएगा। इसी तरह हमारे जो ये सरकारी स्कूल्स का जो ये सारा कोर्स है आप देखें कितना पुराना है, अगर उसको हम आगे आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं कि हम ये पढ़ के हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं। सर आपको लगता है कि ये चेंज हो सकता है? चेंज करने वाला हो तो काफ़ी टाइम पहले हमने ये सुना था कि मिस्टर चिप्स जो है उसकी जगह कोई और बुक आएगी, आपको लगता है आ जाएगी? फिलहाल तो नहीं लग रहा, क्योंकि कोर्स में चेंजिंग करने के लिए ना एफर्ट करने की ज़रूरत है, एफर्ट यहाँ पे कोई करेगा नहीं, ये बात है। कोई मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि भाई आपके पास फिलहाल जो टाइम है ना उसको ज़ाया ना करें, क्योंकि आप बाद में जब अपने आप को पीछे देखेंगे ना पास देखेंगे आपको रिग्रेट ना हो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा सर मुझे आप ये बताएंगे इंडिया में एजुकेशन का निज़ाम जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में आप इसको किस लिहाज से देखते हैं? यार बेसिकली इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो हमसे वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पाकिस्तान एक टाइम पे तरक्की करता है दूसरे टाइम पे पाकिस्तान रह जाता है, ठीक है। इंडिया के अंदर बच्चों को उन्होंने अब स्टार्टिंग पॉइंट ही, अब आप ये देखें कि बेसिक उनका जो इनिशियल लेवल है बच्चों की स्टार्टिंग ही उन्होंने अपनी बेहतर की है, कि बच्चे किसी नर्सरी प्ले ग्रुप से मॉन्टेसरी लेवल से बच्चे जब ग्रो अप करते हैं तो बेस बच्चे की उधर ही बननी है, ठीक है। बच्चे की बेस ही नहीं जब बनेगी तो बच्चा आगे ग्रो कैसे करेगा। उन्होंने अपनी बेस अच्छी की है कि एक इमारत है उसकी बुनियाद जब नींव ही नहीं सही होगी तो इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। वो अपने बच्चों के ऊपर स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो बच्चे जब आगे जाते हैं वो बच्चे आगे तरक्की करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब से कोविड आया है, कोविड से पहले भी हालात वो वाकया तो सबके सामने ही है, कोविड के बाद बच्चों का वैसे ही बुरा हाल हो गया, साल साल दो दो साल स्कूल बंद हो गए हैं, फीसिस जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं है, पता ही नहीं है। मेरा अपना भाई जिसे कह लें कि आप थ्री क्लास में वो गया है स्कूल, मतलब थ्री क्लास में हो गया है, स्पिरिट स्कूल में जा रहा है, सुपीरियर वालों का स्कूल है, बड़ा अच्छा स्कूल और टॉप रैंकिंग में वो बच्चा आता है, उसने जनाब साल घर रेस्ट किया है, साल के बाद जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल वाले कहते हैं जी हमने इसे थ्री क्लास में नहीं रखना। अब साल में आप बताएं ना आपने उसे ऑनलाइन स्टडी में दिया क्या है कि वो बच्चा अब आगे कैसे ग्रो करे। तो हमारा इनिशियल लेवल ही जब तक सही नहीं होगा हम आगे कैसे किसी को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने अपना इनिशियल लेवल स्ट्रॉन्ग किया है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके वो बच्चों को लेकर चल रहे हैं। अगर उनकी ऑनलाइन स्टडीज़ भी हैं तो वो उसके ऊपर भी फुल फोकस करके काम करवा रहे हैं। हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, अब इधर बच्चे देखिए आपके सामने ही, अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं कि मैट्रिक के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर बच्चों ने जनाब नंबर्स कितने लिए हैं, फुल आउट ऑफ फुल, कुछ बच्चों के तो ज़्यादा भी हो गए उससे, ठीक है। और आगे वो ई कैट एम कैट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंटरव्यू तक नहीं पास कर सकते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा इतनी ईमानदारी से पढ़ के तैयारी करके अगर करता है पूरे पूरे नंबर ले रहा तो वो पास ही नहीं होता। वो देखते हैं जनाब वो अपना बाहर का सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, यूके सिस्टम का आ रहा है उनके अंदर एजुकेशन में, यूएसए से आ रहे हैं जनाब उनके लोग उधर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, पाकिस्तान में कोई सिस्टम ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। सर ये चेंज कैसे आ सकता है? सर चेंज सबसे पहले तो जो अंदर से है ना वो अंदर से चेंज आता है, कि फॉर एग्जांपल अब हम लोग अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो ही नहीं देते, हमारे घर पे हमें नहीं पता कि हमारे छोटे बहन भाई हैं, हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं हम लोग आगे जा रहे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता हमारे छोटे बहन भाई क्या कर रहे हैं। हम अगर उनके ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें, हाँ यार शाम को जाके बच्चे आपने आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो बताएंगे, उनको एक चीज़ का डर होगा कि यार आज भाई ने पूछना आ गया बहन ने पूछना या वालिद साहब अगर हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है तो ठीक है। सेकेंडली तौर पे अगर घर में पढ़े लिखे नहीं है वो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनके टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो नहीं पढ़ते तो उसके घर में बताएं कि नहीं पढ़ रहे। हमारे टीचर कहते हैं जी बस फीसिस आ रही हैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स DPS बीकन हाउस जितने भी हैं। अब बीकन हाउस का बच्चा एक है कि जिसको जनाब उर्दू नहीं बोलनी आती, कैसे तरक्की करेगा मुल्क। और इंडिया में उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या कि उस बच्चे को हिंदी भी आनी चाहिए, वो हिंदी को भी साथ लेकर चलते हैं, साथ के साथ उन्होंने इंग्लिश सिखानी है। उन्होंने ये नहीं करना कि एक बच्चे को गोरा बना दिया कि बस इंग्लिश ही सिखानी है, हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर।